जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी लगातार सभाएं कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी के एक भाषण का वीडियो वायरल है जिसमें राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। राहुल गांधी को लगता है कि जलेबी बनाने के लिए कोई फैक्ट्री होती है, यानी ज्यादातर लोग इस काम में जुड़ने चाहिए। लेकिन फैक्ट्री में बनी हुई जलेबी कैसी होंगी, लोग फैक्ट्री वाले जलेबी खाएंगे या नहीं खाएंगे, इसको समझने के लिए डीएनए में हमने एक टेस्ट किया। फैक्ट्री वाली कथित जलेबी पर पब्लिक ओपिनियन जाना, तो पब्लिक की जुबानी सुनिए कि फैक्ट्री वाली जलेबी उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी। गर्मा गर्म जलेबी, ये सुनते ही जलेबी खाने का मन करता है। हलवाई के यहाँ जलेबी बहुत से लोगों ने खाई होगी, लेकिन जलेबी फैक्ट्री में बनेगी तो कितने लोग खाएंगे, आइए जरा पब्लिक से पूछते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जलेबियां जो है फैक्ट्री में बन सकती हैं, फैक्ट्री में दुकानदार जो है फैक्ट्री में बैठेंगे, क्या लग रहा है खाएंगे आप फैक्ट्री वाली जलेबी? सर अब उनका क्या ही कहें, वो आलू से सोना बना देते हैं, अब जलेबियां फैक्ट्री में बनाएंगे तो उनका ब्रह्म ज्ञान का तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमें ठेला वाला जलेबी अच्छी लगती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जितनी जलेबी अगर मान लीजिए फैक्ट्री वाली उससे भी सस्ती है तब खाएंगे? नहीं सर, फैक्ट्री वाली नहीं खा सकते, क्योंकि सर वो कैसे बन रहा है वो हम देखते तो नहीं है। अब यहाँ सामने अच्छी बनती है तो हम ये खाना प्रेफर करेंगे सर। इन भाई साहब को फैक्ट्री वाली जलेबी पर भरोसा नहीं था, सड़क पर एक और जलेबी के शौकीन मिले। उन्होंने पूछा, क्यों भैया अगर फैक्ट्री में जलेबी बने हलवाई की दुकान से सस्ती मिले तो खाओगे क्या? राहुल गांधी ने कहा है कि जलेबियां जो है फैक्ट्री में बनेंगी, जलेबी फैक्ट्री वाली कैसी होगी? फैक्ट्री वाले भाई अभी तक खाया नहीं हूँ, राहुल गांधी खा सकता हुआ फैक्ट्री के जलेबी? हम तो ठेली वाला है, ठेली वाला आज से 10 साल से खा रहा हूँ, राहुल गांधी तो यहाँ देने नहीं आते हैं मेरे पास, हम तो इसी के ठेली खा रहा हूँ रोज। फैक्ट्री में अगर जलेबी बनेगी, बन तो सकती है शायद? बन तो सकती है जरूर, लेकिन स्वाद कैसा होगा? अब फैक्ट्री वाला यहाँ तो चलो थोड़ा थोड़ा बनाता है, और वहाँ तो जो संख्या देगा करोड़ों में देगा, वहाँ तो पता ही नहीं लगेगा कौन सी टेस्ट कैसे मिलेगा। आप खाओगे लेकिन फैक्ट्री वाली? फैक्ट्री वाला मैं तो नहीं खाऊंगा, अगर सस्ती होगी तो फिर भी नहीं खाऊंगा। जलेबी के शौकीन तो फैक्ट्री वाले जलेबी खाने को राजी नहीं, लेकिन ऐसा है क्यों ये पूछना भी जरूरी था, तो हमने सीधे हलवाई से पूछा कि भैया अगर फैक्ट्री में जलेबी बनेगी तो क्या होगा? राहुल गांधी ने एक बयान में कहा है कि जो जलेबी बनाने वाले हैं, जलेबियां जो हैं वो फैक्ट्रियों में बनेगी आगे आने समय में, और जो जलेबी बनाने वाले दुकानदार हैं वो उनकी प्रॉपर दुकान होगी, फैक्ट्रियों में जलेबी बन सकेगी, बन सकती है जलेबी फैक्ट्री में? सर मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। क्यों नहीं मुमकिन है? ये राष्ट्रीय मिठाई को आदमी ताज़ा ताज़ा देख के खाना पसंद करता है सर, 10 रुपये की 20 रुपये की मिल जाती है, आराम से आदमी पेट भर लेता है, उसमें अपना टेस्ट बना लेता है, लेकिन कंपनी में ये मुमकिन नहीं है। तो जलेबी के इस पब्लिक ओपिनियन से इतना समझ आ गया कि कढ़ाई में छनती हुई जलेबी और फिर गर्मा गर्म मिठास, फिलहाल लोगों के मन में इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दिल्ली से वैभव माथुर की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जलेबी पर पब्लिक ओपिनियन क्या है ये आपने देख लिया, लेकिन जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र सिर्फ जनता के बीच नहीं है, जलेबी वाली फैक्ट्री को लेकर राजनीति भी हो रही है, जहां बीजेपी नेता राहुल गांधी के आईक्यू पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कहना यह कि बीजेपी गलत फैक्ट का इस्तेमाल करके मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। आलू की फैक्ट्री के बाद अब राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आलू की फैक्ट्री से आलू डालने पर सोना निकलता है, वैसे अब जलेबी फैक्ट्री में बनती है, ये अद्भुत ज्ञान राहुल गांधी ने दिया है। वैसे राहुल गांधी के अद्भुत ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। प्रोडक्शन का पी नहीं पता है बीजेपी वालों को और मूढ़ भक्तों को। बड़ी हंसी आ रही है, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, मिठाई फैक्ट्री में कैसे बनेगी? अरे मूर्खो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्री में ही होता है ना, हलवाई की दुकान पर नहीं। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है, आपकी जो छोटी सी अकल और छोटी सी सोच है वो ये सोच ही नहीं सकती है कि एक हलवाई एक फैक्ट्री भी लगाकर बड़ा कारोबारी बन सकता है। Z News.